लोग मुझे पूछते हैं कि आप अपने गांव का नाम नहीं लेते हो, पर मैं अपने गांव का नाम लेती हूं। पर यह है कि हर बार इंट्रो में नहीं लेती हूं, लेकिन जो लोग नए जुड़े होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ कहाँ से होंगे, तो मैं बता देती हूँ। मैं तो ये है शाम का नज़ारा, और अभी आज चंद्र ग्रहण बताया था तो लोगों की शंख की आवाज़ आ रही है, और आज चंद्रमा कुछ अलग टाइप के दिख रहे हैं। वो है मुक्तेश्वर वैली, और वहां से देखिए चंद्रोदय किस तरीके से हो रहा है भाई। और मैंने टाइम लैप्स नहीं किया, बस मैं ऐसे ही इसको देख रही हूँ, और साथ में आज बादल भी बहुत हैं धुंध के साथ देख, और चंद्रमा भी अजीब ही वाले हैं भाई आज तो आप देख सकते हैं। और अभी इधर उधर शंख की आवाज भी आ रही है क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो लोग आप सुन सकते हैं अगर सुनाई दे रहा होगा तो चंद्र ग्रहण और चंद्रोदय का एक छोटी सी झलक आपको दिखने को मिल रही है, बादलों के साथ चंद्रोदय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा अलग जगह से। तो ये जगह है मेरे घर से ऊपर, जहाँ पर मैं गाड़ी वगैरह खड़ी करती हूँ। तो फिलहाल तो घर का सारा काम वाम करके मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ और आ गई हूँ ऑफिस के लिए। तो आप देख सकते हैं हेलमेट बैग वगैरह मैंने ले लिया है। और दूसरा क्या है कि आज थोड़ा मौसम की बात करें तो थोड़ा सा बादल है और धूप नहीं आ रखी है, तो चारों तरफ थोड़ा सुनसान वाला माहौल है। और आज वैली में भी बहुत धुंध है, तो इसलिए पहाड़ी नहीं दिख रही है। तो फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और आज के ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है इन खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों से। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप अपने गांव का नाम नहीं लेते हो, पर मैं अपने गांव का नाम लेती हूं। पर यह है कि हर बार इंट्रो में नहीं लेती हूं, लेकिन जो लोग नए जुड़े होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ कहाँ से होंगे, तो मैं बता देती हूँ। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ ब्लॉक से, और मेरा एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है म्योड़ा। और उसका नाम भी म्योड़ा इसलिए है क्योंकि जो मैंने उसका कहानी सुना था कि राजस्थान मेवाड़ से लोग वहाँ पर आए हुए थे, मतलब यहाँ पर आए थे, तो इसलिए यहाँ का नाम म्योड़ा पड़ गया क्योंकि मेवाड़ के लोग आए थे। तो पहले ज़माने में आए होंगे कोई, तो फिर वहीं से शुरुआत हुई थी इस गांव की। तो एक छोटे से गांव से हूँ, और मैंने गांव भी बहुत बार आपको अपने गांव का व्यू दिखा रखा है। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि एक तो धुंध बनी हुई है, और दूसरा क्या है ना, पेड़ों की वजह से भी गांव नहीं दिख पा रहा है, पर मैं आपको गांव भी दिखाऊंगी। और फैला हुआ गाँव है, इकट्ठा हमारा गाँव नहीं है, मतलब कि छोटा गाँव है लेकिन थोड़ा फैला फैला है, तो इसलिए एक जगह इकट्ठा नहीं दिख सकता है गांव। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बैकग्राउंड में रहता है, मैं बोलती हूँ मेरे गांव का व्यू है, तो मेरे गांव का कुछ इस तरीके से मेरा दिखता है। अभी हल्का दिख रहा है, इधर के जो इस साइड के कॉटेज बने हुए हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में क्योंकि हमारे गांव में रोड जा चुकी है, तो बाहर के लोग भी बहुत आ गए हैं जिन्होंने होम स्टे घर और कॉटेज रिजॉर्ट वगैरह यहाँ पे बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे गांव का एक हिस्सा बन चुके हैं, जो लोग मतलब पूरे तरीके से यहाँ पर रहने लग गए, तो उनको हम यहीं का मानेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आधार वगैरह यहाँ के बना लिए हैं, तो अब वो हो गए हमारे गांव के निवासी। तो कुछ आज ऐसा था। तो फिलहाल तो मैं अभी मार्केट में जा रही हूँ, और मार्केट में इसलिए जा रही हूँ, पहले मैंने करना है बैंक का काम, पोस्ट ऑफिस का काम, और अपनी लोकल मार्केट का छोटा मोटा काम निपटाना है। उसके बाद फिर मैं अपना काम रोज की तरह करूंगी, और बने रहिए फिर ब्लॉग के साथ, और आपको दिखाऊंगी आज के नए दिन में क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी लोकल मार्केट में, और अभी एटीएम का काम, फिर बैंक का काम, फिर पोस्ट ऑफिस का काम वो कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको बैंक वैंक का काम निपटाने के बाद। तो फिलहाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम। मेरा बैंक वाला काम हो गया, और इधर हमारा छोटा सा पोस्ट ऑफिस है, मतलब पोस्ट ऑफिस है लेकिन छोटा है, तो यहाँ पे का काम हो गया है। लेकिन थोड़ा मुझे लेट हो गई थी, ये 12 बजे शायद ऑनलाइन होता है, पर मैं थोड़ा सा लेट आई, तो इसलिए ये काम नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। तुम कहाँ जा रहे हो घास काटने?
अरे तुम बता रहे ये हमारी महिलाएं अभी तक यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, अब ये दीदी के वहाँ हो रही है शादी, तो ये लोग सारे हैं लग रहे, यहाँ से आओ बल, यहाँ से आओ, अब इतना हंस रहे हैं। हाँ यही से तो सार रहे हैं, अब बताओ तुम्हें लकड़ी सारते हुए कैसा लग रहा है। पेड़ तक सिद्ध कर दिया यार, वो हो टूटते ना कहीं। बढ़िया, अब पेड़ सही है जलने। तो दोस्तों मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम को, तो आपने देखा जैसे कि दिन भर ऐसी काम में रह जाती हूँ तो फिर समझ ही नहीं आता कि क्या कैप्चर करूँ। अभी जिस जगह पे मैं रुकी हूँ तो सामने हो रहा है सनसेट, तो वो व्यू में मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और पीछे आप मेरे आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्री गार्ड लगाया, तो ये सरकार ने प्लांटेशन किया था रोड साइड में। जैसे कि पहले बताया ना, वहाँ ऊपर क्या हुआ कि कुछ हमारी वहाँ पे SHG की मीटिंग चल रही थी, तो एक महिला ने मतलब पेड़ तो लगा दिया सरकार ने, लेकिन उसकी देखरेख कौन करेगा, मतलब किसकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि ये ऑन रोड में जैसे आप देख सकते हैं ना पूरे ट्री गार्ड लगे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा केयर है, तो ये वाला प्लांट बहुत अच्छा हो रहा है बहुत ज्यादा। तो कुछ 100 प्लांट लगे हैं और कुछ फॉर्डर के प्लांट लगे हैं, जैसे बकेन वगैरह कुछ कुछ चीजें लगी हैं, और बहुत जगह उसके लगे हैं। ये चिनार के पेड़ भी सरकार ने यहाँ पे लगा रखे हैं रोड में। अब ये 100 के लिए भी अच्छे हैं, अगर बच जाएंगे तो इन फ्यूचर मतलब देंगे, इनका फल इन फ्यूचर दिखेगा। तो इनको मैं हर रोज देखती हूँ, पर गांव में होता है ना कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग मानसिकता के होते हैं, कुछों को लगता है कि हाँ इसकी केयर करनी चाहिए, और कुछ जगह ना ये जो बॉडी मतलब जो ये ट्री गार्ड है इनको उखाड़ के फेंक भी दिया लोगों ने, लोगों को लगता है कि नहीं सरकार का पैसा ऐसे ही जा रहा है। तो अगर हमारे गाँव में पहाड़ों में कुछ भी ऐसे विकास के कार्य होते हैं तो हमें उन्हें योगदान देना चाहिए, मतलब कि उनको हमारा भी कर्तव्य है उनकी रक्षा करने के लिए। अगर हम इसको यहाँ पे आके मैं इसको उखाड़ के फेंक दूँ तो वो बहुत गलत बात है, और बहुत ज्यादा लोग ऐसा करते हैं, दिखते तो नहीं है लेकिन पता नहीं कब करते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता है कि अपने गांव में कुछ ऐसी चीजें हो रही हों और उसको फिर लोग बिगाड़ने में तुले हुए हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है 2 पेड़ बहुत अच्छे हो रखे हैं, ये और वो वाला, और पास आके दिखाती हूँ मैं, ये है, अच्छा ये फ्लावर है, ये है वो बोटल ब्रश भी बोलते हैं इसको, इस पर रेड कलर का फूल आ रहा है, छोटा सा दिख रहा है अभी। तो इनको हमें संभालना है क्योंकि ये हमारे गांव की शान है, मतलब अगर अच्छे कभी बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा प्लांट लगेगा जब इस पर सारे फूल ही फूल दिखेंगे। तो ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये बहुत बड़ा संदेश मेरी तरफ से है, मतलब अगर अपने गाँव पहाड़ बचाने हैं तो हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर घर की तरफ। तो अभी खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है और मेरी वापसी का टाइम हो रहा है घर जाने का, और ये सामने है पड़ोस वाला गांव नथवा खान, और मैं उधर मार्केट से आ गई क्योंकि मार्केट पड़ता है उधर, और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम था ना नीचे तो इसलिए गई थी, और इस जगह से बहुत प्यारा सनसेट दिखता है, तो मैं यहाँ पर रुक के कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों फाइनली हो गई है शाम और मैं पहुंच गई हूँ घर, और आप देख सकते हैं धूप जा चुकी है, वैसे तो आज धूप थी नहीं धुंध थी। तो आज का इंट्रो अपने गांव से, आज की एंडिंग अपने गांव से, तो करते हैं आज के व्लॉग को एंड, और होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और पता चला होगा कि मेरा गांव कहाँ है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।